तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे यहाँ पर ब्लू स्टैक के अंदर लैग को फिक्स कर सकते हो। चाहे आप लोग कोई सा भी गेम खेलो, चाहे फ्री फायर हो या फिर पबजी, जो मैं अभी सेटिंग बताने के लिए जा रहा हूँ ना, वो सभी गेम के लिए अभी यहाँ पर काम करने वाला है। तो उसको करने के लिए गाइज सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च बार के ऊपर आ जाना है और इधर सर्च करना है गाइज ग्राफिक्स सेटिंग। ग्राफिक्स सेटिंग का सर्च करने के बाद इसको क्लिक करो और इधर भाई आप लोगों को जो है दिख जाएगा ब्लू स्टैक का ऑप्शन। अगर आपको भाई ब्लू स्टैक का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो अब आप लोग इधर देख सकते हो भाई, इधर sdplayer.exe करके एक फाइल है। तो उसको अभी ऐड करने के लिए आपको इधर जाना होगा ब्राउज के अंदर और वो फाइल को आप लोग को इधर यहाँ पे सर्च करके भाई यहाँ पर ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद आपका जो ब्लू स्टैक है इधर ऐड हो जाएगा और ऐड होने के बाद इधर आप लोगों को जो है ऑप्शन का यहाँ पर जुड़ेगा लोगो और उसको क्लिक करो और इसको अभी यहाँ पर जो है हाई परफॉर्मेंस के अंदर सेलेक्ट कर दो। सेलेक्ट करने के बाद भाई इसको सेव कर दो और सेव करने के बाद अगर आप लोग एक बार पीसी रिस्टार्ट कर लेते हो तो गाइज ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेव हो जाएगा। उसके बाद भाई आपको जाना है ब्लू स्टैक के ऐप पे और इधर जाकर आपको फिर से जाना है सेटिंग पे और आपको परफॉर्मेंस के अंदर यहाँ पर सीपीयू एलोकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा बंदे लोगों को अभी यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि हम लोग अभी यहाँ पर लो पे करें, मीडियम पे करें या फिर हाई पे करें। तो इसके लिए भी तुम्हारे भाई के पास अभी यहाँ पर सोल्यूशन है। तो आप लोग ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते भाई किसी भी यूट्यूबर का जो वीडियो देख कर कि आपको यहाँ पर हाई पे जो है सेलेक्ट करना है। उसके लिए भाई आप लोगों को जो है सीपीयू का कोर पता होना चाहिए, आप लोगों का सीपीयू का कोर कितना है भाई वो पता होना चाहिए। तो उसको पता करने के लिए आपको इधर फिर से जाना होगा सर्च बार के ऊपर। सर्च बार के ऊपर जाके भाई इधर टास्क मैनेजर पे आप लोग सर्च करो, यहाँ पे आ जाएगा टास्क मैनेजर का ऑप्शन, क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जाना होगा परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस के अंदर जाके भाई सीपीयू के अंदर देखो भाई, इधर जो है कोर दिखाई देगा। तो मेरा यहाँ पर लैपटॉप का कोर है भाई 6, तो आप लोगों का भी ऐसे ही आप लोग देख सकते हो। उसके बाद भाई मैं अभी यहाँ पर इजीली यहाँ पर हाई के अंदर सेट करके मैं खेल सकता हूँ। अगर आप लोगों के पास भाई 4 कोर का लैपटॉप या फिर पीसी वाला सीपीयू है तो आप लोग यहाँ पर भाई 2 कोर भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद इधर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन भाई मेमोरी एलोकेशन का, तो इसके ऊपर भी जाकर आपको भाई एनहांस 4GB के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों के पास बहुत ही लो एंड पीसी या फिर लैपटॉप है तब भी भाई आपको जाकर यहाँ पर 2GB के अंदर सेलेक्ट करना है, वरना भाई 4GB के अंदर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर परफॉर्मेंस मोड के अंदर आप लोग देख सकते हो, इधर भाई हमेशा आप लोगों को मैं बता देता हूँ कभी भी यहाँ पर लो मेमोरी के ऊपर आपको सेट नहीं करना है, चाहे आपके पास जितना भी यहाँ पर लो एंड पीसी है, ठीक है। तो मेरे पास तो अभी ठीक ठाक वाला पीसी है तो मैं यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस के ऊपर सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर आप लोगों के पास भी अच्छा खासा पीसी या फिर लैपटॉप है तो हाई परफॉर्मेंस के अंदर सेट करो, वरना भाई लो एंड है तो भाई बैलेंस के ऊपर आप लोग सेट कर सकते हो, ठीक है ना। और उसके बाद इधर आपको सेव कर देना है और यहाँ पर आप लोग जाते हैं अभी ग्राफिक्स के अंदर और ग्राफिक्स के अंदर जाके आपको यहाँ पर दिखाई देगा ऑप्शन भाई ग्राफिक्स इंजिन मोड। तो इसको हमेशा गाइज आपको यहाँ पर सेट कर देना है परफॉर्मेंस मोड पर और एक ग्राफिक्स रेंडरर को जो है ओपन जीएल के ऊपर आपको सेट कर देना है और इंटरफेस रेंडरर को ऑटो कर दो। AST टेक्सचर बेटा को गाइस यहाँ पर सॉफ्टवेयर डिकोडिंग कर देना, ठीक है। और भाई एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोग जो है करना भूल जाते हो, GPU इन यूज। भाई आप लोगों के यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा प्रीफर डेडिकेटेड GPU। अगर आप लोगों के जो है भाई पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर जीपीयू है तो हमेशा इस जो वाला जो बटन है ना भाई, इसको हमेशा ऑन कर देना। अगर आप लोगों के पास जीपीयू नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर जीपीयू है गाइज तो इसको हमेशा ऑन करके भाई इधर सेव करके खेल लेना, ठीक है। और एक और बात, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदे लोग यहाँ पर गलती कर देते गाइज, ये फ़ोन का जो ऑप्शन है ना भाई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदे लोग यहाँ पर वन प्लस सैमसंग गैलेक्सी भाई A90 S20 अल्ट्रा इसको सेलेक्ट करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। हमेशा आपको जो है अच्छा भाई स्मूथ चलने के लिए और बिना लैग किए चलने के लिए आपको यहाँ पर ऑसुस रॉक 2 को यहाँ पर सेलेक्ट करके भाई सेव कर देना है। उसके बाद भाई आपका काम हो जाएगा। ए वाला जो वीडियो है भाई, इसका Part 2 भी बहुत ही जल्द आने वाला है, जिसके ऊपर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप लोग अपना जो है फ्री फायर या फिर पबजी या फिर ब्लू स्टैक के अंदर कैसे यहाँ पर जो है अपना FPS जो है इंक्रीज कर सकते हो। और आपका जो है मैं अभी बताऊंगा एडवांस लैग फिक्सिंग कैसे आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही करते गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, लाइक कर देना, शेयर कर देना और जरूर यहाँ पर सब्सक्राइब कर देना।